नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब हेल्दी और अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर दुष्यंत चौहान, बोन एंड जॉइंट स्पेशलिस्ट, कंसल्टेंट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, रायपुर छत्तीसगढ़ से पेशेंट एजुकेशन सीरीज के स्टूडियो में आज आपसे बात करूंगा कि आपको खाने में क्या क्या चीज़ लेनी चाहिए जिससे आपकी लिगामेंट की हीलिंग बहुत ही फास्ट हो और आपकी रिकवरी बहुत जल्दी हो। दोस्तों, आजकल बोन इंजुरीज की तरह लिगामेंट इंजुरीज भी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। आपने बहुत बार सुना होगा अपने आसपास कि लिगामेंट की सर्जरी करवा रहे हैं कई लोगों की लिगामेंट टूट गई है, कई लोगों की लिगामेंट फट गई है, कई लोगों की लिगामेंट अभी भी हील नहीं हो पा रही है। ऐसे में बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल रहता है कि हमें अपने घर के डाइट में क्या क्या ऐसे खाने के पदार्थ इन्वॉल्व करें जिससे हमारी लिगामेंट की हीलिंग जल्दी हो और हम जल्दी से जल्दी अपनी नॉर्मल एक्टिविटी में वापस आ जाएं। दोस्तों, यदि आपने अपनी लिगामेंट की सर्जरी भी कराई है, उसके बाद भी आपको उसकी हीलिंग के लिए आपकी बॉडी में कुछ पदार्थों का होना बहुत ही आवश्यक होता है। इसी संदर्भ में आज आपसे बात करूंगा। यदि आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर के सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे द्वारा हड्डी, बोन, ज्वाइंट एवं नस से लेकर जो भी जानकारी मिलती है आपको सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा ACL टीयर के बारे में, यानी एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट टीयर के बारे में, PCL टीयर के बारे में, और घुटनों के आसपास या कंधे के आसपास बहुत सारे लिगामेंट टीयर के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों, जो कलाई की लिगामेंट टूटती है, कलाई की मोच होती है, एंकल, आपके टखने की जो मोच होती है, इसमें भी आपकी लिगामेंट में इंजरी होती है। ऐसे में बहुत बार आपके डॉक्टर या आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन आपको प्लास्टर का ट्रीटमेंट का ऑप्शन देते हैं और प्लास्टर लगा देते हैं, फिर आपको 2 से 3 सप्ताह तक प्लास्टर का वेट करने के लिए कहते हैं और उसे किसी प्रकार कोई मूवमेंट नहीं करना होता है। दोस्तों, ऐसे में जो लिगामेंट की हीलिंग होती है बहुत ही आवश्यक होती है। तो ऐसे क्या क्या फूड हैं जो आप अपने खाने में शामिल करें और अपने डाइट को कैसे प्लान करें कि आपकी जो लिगामेंट की हीलिंग है जल्दी हो और आप जल्दी से अपनी पहले एक्टिविटी में आ पाएँ। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जो लिगामेंट के लिए होता है विटामिन सी। विटामिन सी के अगर मैं प्रमुख स्रोतों की बात करूं तो आपके जो भी सिट्रस फूड हैं, यानी जो खट्टे पदार्थ हैं, जैसे संतरा, मौसम्बी या नींबू और ग्रेप्स, इन सब में और पाइनएप्पल, इन सब में विटामिन सी की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। विटामिन सी आपकी बॉडी में कोलेजन की मात्रा को बढ़ाते हैं और यही कोलेजन आपके लिगामेंट में जमा होकर आपके लिगामेंट को स्ट्रेंथ देते हैं और आपकी लिगामेंट की हीलिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल होता है उसे हम बोलते हैं कॉपर। कॉपर भी दोस्तों आपके लिगामेंट के लिए ज़रूरी होता है। यदि मैं कॉपर की स्रोत की बात करूं तो ये मुख्य रूप से जो कॉफ़ी होता है, जो नारियल होता है और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो अपने खाने में इन सब फूड का शामिल करेंगे तो आपकी लिगामेंट की हीलिंग जल्दी होगी। तीसरी जो मुख्य पदार्थ है उसको बोलते हैं फ्लोराइड या फ्लोरिन के आयंस। दोस्तों, फ्लोरिन या फ्लोराइड के आयंस आपको लेने के लिए आपको फ्लोरिनेटेड वाटर का सहारा लेना पड़ेगा। साथ ही साथ कुछ मात्रा में ये टी में भी उपलब्ध होता है और कुछ मात्रा में ये आपके जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, लेग्यूम्स, स्पेशली जो ऊंचे पहाड़ों में पाए जाते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ये होता है, तो आप इनका भी सहारा ले सकते हैं। इससे भी आपकी लिगामेंट की हीलिंग बहुत जल्दी होगी। दोस्तों, उसके बाद अगर लिगामेंट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पदार्थ है उसको बोलते हैं जिंक। जिंक सबसे मुख्य रूप से लेग्यूम्स यानी जो दलहन के पौधे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा दाल का सहारा लें, छिलके वाले दाल का सहारा लें, इससे भी आपको जिंक मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं फ्रूट या वेजिटेबल्स की बात करूँ तो जो डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जिनकी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं उनमें भी जिंक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, आप कोलेजन के लिए यदि आप मांसाहारी हैं तो आप सालमन फिश या फिर नॉर्मल फिश का भी सहारा ले सकते हैं या फिर आप चिकन या लैम्प वगैरह भी ले सकते हैं। इससे भी आपके बॉडी में जो फ्लोरीन और मिनरल, जो जिंक और कॉपर होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा मिलेगा। यदि आप वेजिटेरियन हैं तो आपको अपने डाइट में जो मटर होते हैं और जो पालक होते हैं इनका सहारा लेना है। इनसे भी आपकी बॉडी में जो कोलेजन के सिंथेसिस जल्दी होगा। दोस्तों, यदि मैं क्विकली बताऊं कि आपको अपने डाइट को कैसे प्लान करना है, आप ब्रेकफास्ट में सबसे पहले आप जो भी ब्रेकफास्ट लेते हैं उसके साथ साथ अपने साथ लेमन, मौसम्बी या फिर संतरे का जूस जरूर लें। यदि ये अवेलेबल नहीं है तो आप ग्रेप्स का जूस लें। दूसरा, अगर आप लंच करते हैं, लंच में आपको जो सलाद यूज़ करते हैं उसमें ट्राई कीजिए कि आप जो कुछ दलहनी के जो सोक्ड दलहनी होती है उसको लेने का ट्राई करें। साथ ही साथ उसके साथ साथ लेमन जूस ज़रूर लें। सुबह के ब्रेकफास्ट में आप कॉफ़ी को भी ले सकते हैं या फिर नारियल पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी आपको जिंक और कॉपर की मात्रा प्रचुर मात्रा में मिलेगी, ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर मैं डिनर की बात करूं तो अगर आप मांसाहारी हो या मांसाहार को ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप लैम्प या फिर जो लीन मांस वाले जो नॉनवेज मिलते हैं उनको आप सहारा लें। इससे भी आपकी बॉडी में कोलेजन की मात्रा बढ़ेगी एंड हाई प्रोटीन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा जिससे भी आपकी हीलिंग बहुत ज़्यादा होगी। साथ ही साथ रात में दोस्तों ज़रूर से ज़रूर अपने खाने में ग्रेप्स या फिर जो नारियल पानी है उसका सहारा लें, इससे भी आपकी हीलिंग जल्दी होगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मेरे ऑर्थोपेडिक्स नॉलेज के लिए इस वीडियो से बने रहे। तब तक